देश में फैल रही महंगाई, बेरोजगारी और सामाजिक दूरियों के मुद्दे को लेकर कांग्रेस नेता सांसद राहुल गांधी द्वारा निकाली जा रही भारत जोड़ो यात्रा और युवा कांग्रेस द्वारा चलाए जा रहे बूथ जोड़ो अभियान को लेकर सुबिशी हॉस्पिटल परिसर में जिला बैठक आयोजित की गई। इसमें अखिल भारतीय युवा कांग्रेस सचिव अखिलेश यादव शामिल हुआ है। उन्होंने यात्रा का उद्देश्य एवं बूथ जोड़ो अभियान की रणनीति को लेकर कार्यकर्ताओं से चर्चा की। विधायक रवि जोशी ने कहा कि निमाड़ में आने वाली यात्रा को लेकर जनता में भारी उत्साह नजर आ रहा है। जोशी ने यादव को आश्वस्त किया कि खरगोन विधानसभा से 5000 से अधिक लोग राहुल गांधी की पदयात्रा में शामिल होंगे। निमाड़ में 16 दिन चलने वाली इस यात्रा को लेकर जनता खासी उत्साहित है। इसे लेकर राहुल गांधी ने कांग्रेस मजबूत करने के लिए यूथ जोड़ो बूथ जोड़ो अभियान की शुरुआत की। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। खरगोन जिला युवा कांग्रेस की बैठक हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी जो कन्याकुमारी से कश्मीर के लिए पदयात्रा कर रहे हैं कश्मीर तक, उसके संदर्भ में है, क्योंकि खरगोन में राहुल जी की पदयात्रा आने वाली है। उस जिले उस संबंध में हमने पदयात्रा रखी और यूथ कांग्रेस का कार्यक्रम जो राष्ट्रव्यापी तौर पर बूथ कमेटियों को मजबूत करने के लिए चल रहा है, यूथ जोड़ो बूथ जोड़ो, उसके संदर्भ में आज की ये बैठक रखी गई थी। नहीं, हमने तैयारियों पे चर्चा की। आदरणीय हमारे विधायक रवि जोशी जी, उनके नेतृत्व में आज हमने उन पर चर्चा की है, अपने लोगों को मैसेज दिया है। हम लोगों को निमंत्रित करेंगे कि लोग, आम जनमानस जो समस्याओं से ग्रसित है, जो महंगाई से ग्रसित है, जो बेरोजगारी से हमारा युवा तड़प रहा है, उसको उस तक इस बात को पहुंचाएंगे कि भारत जोड़ो यात्रा में वो सम्मिलित हो, अपनी बात रखे। और आदरणीय राहुल जी इसीलिए भारत को महंगाई के खिलाफ और बेरोजगारी के खिलाफ भारत को एकजुट करने के लिए निकले हुए हैं, ताकि ये समस्याएं यहाँ से खत्म हो जाए। निमाड़ में कब तक भारत जोड़ो यात्रा का? देखिए, भारत जोड़ो यात्रा का जो पहले टेंटेटिव टाइम था वो नवंबर के लास्ट वीक में था, और अभी जैसा कि आदरणीय विधायक जी ने बताया कि वो शायद दिसंबर पहले हफ्ते में के आसपास आने की उम्मीद है, क्योंकि देखिए बहुत बड़ी पदयात्रा है ये 4000 किलोमीटर का, तो उसमें कुछ एक दो दिन ऊपर नीचे तीन दिन होगा, वो कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। लेकिन पूरी जनता, खरगोन की जनता, निमाड़ की जनता, बड़े, मैं 4-5 दिनों से निमाड़ में घूम रहा हूँ, मतलब ये इंतजार कर रही है राहुल गांधी जी का, उनकी पदयात्रा का। कांग्रेसियों के अलावा मैं बात कर रहा हूँ कि आम जनता को इंतजार है, लोगों में चर्चा है कि राहुल जी कब हमारे यहाँ आ रहे हैं। धन्यवाद। भारत जोड़ो यात्रा के अंदर खरगोन जिले के तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता और यूथ कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता, महिला कांग्रेस, सेवा दल, NSUI के लोग पूरी ताकत के हजारों की संख्या में 16 दिन तक पूरी तैयारी कर रहे हैं कि 16 दिन तक हमको परमिशन मिले और हम मध्य प्रदेश के इच्छापुर से शुरू होगी जो यात्रा आगर मालवा जिले के अंतिम छोर तक 16 दिन तक की परमिशन मिले, और 16 ही दिन हम तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता राहुल गांधी जी के साथ चलेंगे, नौजवानों की बात उठाएंगे, किसानों की बात उठाएंगे, महिलाओं की सुरक्षा की बात उठाएंगे और पूरे देश में संदेशा जाएगा। पूरे मध्य प्रदेश में खरगोन एक जिला ऐसा है जहाँ से राहुल जी की पदयात्रा चल रही है। बहुत सारे प्रदेश के लोगों की इच्छा है कि हमारे यहाँ से भी हो, लेकिन खरगोन जिला के कार्यकर्ता सौभाग्यशाली इसको लेकर क्या कहूँ। मैं पूरे खरगोन जिले के निवासी इस बात के लिए किस्मत वाले हैं कि राहुल गांधी जी की यात्रा, राहुल गांधी जी स्वयं खरगोन जिले के कई दिनों तक खरगोन जिले में खुद पदयात्रा करेंगे, और हम चाहते हैं कि हम जिस जगह राहुल गांधी जी नहीं जा रहे हैं उस जगह हम जाएंगे और हम वहां से लोगों को पदयात्रा के साथ निकाल के उस यात्रा में शामिल कराएंगे। मध्य प्रदेश में नाबालिग बच्चों के साथ रेप की घटनाएं ज्यादा। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।